देखो यहाँ देखना, देखो यहाँ उधर रूबी, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये राइट डाउन करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। द्विघात समीकरण, क्या बोलते हैं इसको? द्विघात समीकरण। प्लीज राइट डाउन करना है, द्विघात समीकरण, ठीक है। देखो इधर द्विघात समीकरण, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है, ये समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है, ठीक है। अभी तक हमने ये देखा, उसमें कैप लगाओ, हमने तक ये देखा, जैसे यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस टू एक्स लिखा है प्लस एट इक्वल टू जीरो लिखा है ना, तो सम ऑफ रूट्स। हाँ Those words which are used in place of noun is called pronoun. Alpha plus beta equal to होता minus b by a, है ना? और alpha into beta होता है क्या होता c by a। ये क्या होता? पहले वाले को बोलते हैं sum of roots। इसको क्या बोलते हैं? Sum of roots। Sum of roots मतलब मूलों का योग। इसको बोलते हैं, next को बोलते हैं product of root। Product of root। Products of roots। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये राइट डाउन करो प्लीज, देखो करो फिर से करो इसको। पहला क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, है ना, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एट ऐसे मतलब आएगा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, प्लीज राइट डाउन अगेन। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, प्लीज डू इट, करो जल्दी फास्ट। आई थिंक ये तुम्हें आता है, ओके नेक्स्ट करते हैं। आई नो दिस इज काउ, लिखो काउ, दिस इज काउ। नेक्स्ट देखो, जैसे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस सिक्स ऐसा भी आ सकता है, ये भी ऐसा ही है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर करें ना, तो ए वेर इज द ए बराबर माइनस थ्री आ जाएगा एंड बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? एट आ जाएगा, और सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस सिक्स आ जाएगा। समझ में आया? हमने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, वेर इज द बी? बी इक्वल टू एट होता है, ठीक है ना। तो माइनस फार्मूले का एट प्लस का ही रहेगा, क्योंकि प्लस का है, ए कितना? माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री है, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एट बाई थ्री होगा। क्वेश्चन कई तरह से आ सकता है। नेक्स्ट वन क्या होता है? हाँ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी बाई ए, माइनस सी, सी इक्वल टू माइनस सिक्स है, तो आप सिक्स रखो, माइनस सिक्स रखो। ए इक्वल टू माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री रखो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिक्स बाई थ्री। इसको कैंसिल भी करते, थ्री वन जो थ्री, थ्री टू जो सिक्स, तो टू आ सकता है। राइट डाउन करो, समझ में आया मेरी बात? माइनस ए, माइनस एट हो गया कि माइनस माइनस बी बाई ए होता है, ए की वैल्यू माइनस पहले से थी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो एट बाई थ्री आ गया। नेक्स्ट क्या है? अल्फा इंटू बीटा माइनस सी बाई, सॉरी माइनस सी बाई क्या होता है? सी बाई होता है, सी बाई ए होता है। सी क्या है? सिक्स, माइनस सिक्स बाई थ्री, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इसको करो, करो एक बार, ये नोट करो नीचे वाला। कर लो आता है। आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें? साला लर्न करना, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें नाउन प्रोनाउन याद करो, लिखा याद कभी तुम्हें? कहाँ है? हाँ याद करो ना, नाउन प्रोनाउन कहाँ? हाँ करो, नाउन प्रोनाउन याद करो। लो कॉपी दो अपनी, लो। हो गया ना, इससे कर लो इससे। देखो आप कोई भी क्वाड्रेटिक, देखो अभी और अच्छे से आता है, ये भी आता है। जैसे यहाँ पे रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट सिक्स एक्स
प्लस क्या होता है रूट एट बराबर जीरो। ये भी ऐसा ही है, देखो इससे भी कंपेयर करा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू क्या है यहाँ पे रूट टू है, बी इक्वल टू क्या है रूट सिक्स है, और सी इक्वल टू क्या है, सी इक्वल टू क्या है रूट एट है, ठीक है समझ में। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो रूट सिक्स सॉरी माइनस बी बाई ए होता है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, पागल हो गया यार, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए, वेयर इज द बी, बी इक्वल टू माइनस रूट सिक्स अपान क्या होगा रूट टू होगा। नेक्स्ट वन क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होगा, सी बाई ए से सी सी क्या है रूट एट बाई टू रूट टू, प्लीज नोट डाउन करो इसको भी, ए बी सी आप कंपेयर कर पा रहे, ठीक है करो जल्दी फास्ट। करो ना, अरे कर लो, नहीं कर लो, तो जितना जल्दी आता उतना जल्दी भूल भी जाएगा, जल्दी करो, सिर्फ ये ऊपर वाला वो लिखो, इक्वेशन लिखो बस, पता नहीं तुम क्या छोड़ मार, नाउन इज द नेम ऑफ एनी प्लेस पर्सन और थिंग्स, प्रोनाउन दोज वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, एडजेक्टिव दोज वर्ड्स विच द टेल क्वालिटी ऑफ नाउन ऑफ प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव वर्ब, द एक्शन परफॉर्म बाय सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब, समझ में रहे, समझ रहे, याद करना ठीक है, ये कर लेना। देखो नेक्स्ट करते हैं जो तुम्हें कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं था वो करते हैं, किसका ठीक है ना, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। देखो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा ए एक्स स्क्वायर, अब ये नेक्स्ट है बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो होता है, तो अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स होते हैं, ऐसे लिखो ये रूट है, अल्फा बीटा क्या है दोनों क्या है, दोनों क्या नाम है रूट, क्या नाम है इसका रूट्स, मतलब मूल है ये।